नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमरोहा के गजौला इलाके के बुलेट शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड से अचानक बंदूक चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शोरूम में तैनात गार्ड की ड्यूटी के दौरान हल्की सी झपकी लग गई और तभी उससे बंदूक का टिगर दब गया, तो वहीं अचानक गोली चलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव पणकी की रहने वाली दिव्यांशी सैनी, जो उत्तर प्रदेश में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए कर्नाटक गई थी। वहां से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद वो अमरोहा वापस लौटी है, जहां रेलवे स्टेशन पर दिव्यांशी सैनी के परिजन और खिलाड़ियों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत पर सियाही फेंकने के मामले में किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अमरोहा के जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा किसानों ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। सदर विधायक महबूब अली ने बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और सरकार को घेरते हुए कहा कि साल 2018 में प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन अमरोहा संभल समेत प्रदेश के 9 जिलों में 4 साल बाद भी सीटी स्कैन मशीनें नहीं लगाई गई। इसके अलावा सदर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा है कि अमरोहा संभल समेत 9 जिलों और मंडल मुख्यालय वाले जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन कब स्थापित कराई जाएंगी। साथ ही मांग की है कि सरकार सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों से वंचित जिलों में जनता को राहत देने के लिए मशीन स्थापित करने की समय सीमा की घोषणा करे। बदायूं पुलिस को हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बता दें कि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया और उस साल 2004 से अवैध शस्त्र निर्माण के कार्य में लिप्त है और इन नस्लों को जनपद बदायूं तथा आस पास के जनपदों में बेचता था। जनपद बदायूं के थाना दातागंज के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक दातागंज और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पता रसी सुराग रसी करके जो इस समय ऑपरेशन पाताल प्रचलित है उसके तहत लगातार ये लोग सर्च कर रहे थे। रुदौली के जंगलों में रुदौली निवासी ही राम सिंह पकड़े गए हैं। तो पुलिस को पता चला था कि वहाँ पे ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे हैं और इनके पास से 5 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर तथा असलहे बनाने के 30 भारी मात्रा में उपकरण और कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में थाना दातागंज द्वारा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन पाताल के तहत ही दातागंज की एक अच्छी कार्रवाई है, जिससे मुझे लगता है कि अवैध तमंचों की सप्लाई पर रोक लगेगी। देश में स्वच्छ भारत योजना को लेकर जहां एक तरफ सरकार की तरफ से नए अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं धरातल पर देखें तो अधिकारियों की लापरवाही से नजारे कुछ और ही देखने को मिलते हैं। पीएम मोदी की ड्रीम योजना स्वच्छ भारत के अंतर्गत सरकार सामुदायिक शौचालय एवं घर घर शौचालय बनवाने का काम कर रही है, लेकिन बात अगर मेरठ की करें, मेरठ के सरूरपुर ब्लॉक के ब्लॉक परिसर में बने सामुदायिक शौचालय की, तो उसकी हालत बस से बदतर नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं उनके केयर टेकर कहाँ हैं और अगर केयर टेकर नहीं रखे गए तो क्या कारण है और उन सामुदायिक शौचालय की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। सहारनपुर की रामपुर मनिहारन पुलिस की ओर बदमाशों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 इको कार, 1 ऑल्टो कार, 1 ई रिक्शा और अवैध असलहा बरामद किया। अपराधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश स्थापित करने हेतु जनपद सहारनपुर में एक 15 दिवसीय अभियान जो 15 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक का था, ऑपरेशन पाताल, इसमें कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रामपुर पुलिस ने एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा है जो विभिन्न प्रकार के वाहन चोरी कर लेते थे और उनके पार्ट्स निकाल के बेच देते थे, और इसमें 2 इको गाड़ियाँ बरामद हुई है, 1 ई रिक्शा हुआ है, 1 मारुति अल्टो हुआ है, कुछ इंजन मिले हैं, तमंचे आदि मिले हैं। कुल 6 बदमाश है ये, और इन जो 2 गाड़ियाँ अभी कनेक्ट हुई हैं, 1 गाजियाबाद से चोरी की है, 1 देवबंद से चोरी की है। इस प्रकार ये गाड़ियों को चुरा के उनके पार्ट्स भी बेच देते थे, कभी कभी गाड़ियाँ भी बेच देते थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के दौरान रामपुर पुलिस ने कल किया।
सहारनपुर जनमंच प्रेक्षागृह में बीते दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिमला से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाइव मौजूद रहे, साथ ही इस पूरे संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। सहारनपुर में देश की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि धरना प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ किया गया है। वहीं इस धरना प्रदर्शन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारा ये वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर राष्ट्रीय पैमाने पर 25 से 31 तक एक हफ्ते का प्रोग्राम था, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये बिल्डोजर नीति जो देश में चल रही है, और इन्होंने जो चुनाव में वादे किए थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन सब चीज़ों को लेकर आज हमारा ये धरना प्रदर्शन था। हर जिला हेडक्वार्टर पर हम आज 31 कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 25 से 31 तक। तो आज DM साहब को ज्ञापन देना है, हम लोग सीपीएम के यहाँ DM साहब है नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाए थे कि यहाँ मुझे दे दो, क्या कह रहे हैं, कह रहे भेज देंगे आपको, प्रधानमंत्री के नाम है जी, आपको इनका तो कुछ नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी में आ नहीं पाते, न उनके घर वाले भेजते हैं, तो हम उसकी छुट्टी के लिए आए हैं। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो हमें अदर विभाग से काम दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हम अपना काम नहीं कर पाते अपने विभाग का। और तीसरी हमारी मांग है कि जो हमें राशन मिलता है वो हमें 3-3 महीने का मिलता है, हम ये चाहते हैं कि हमें हर महीने मिले, क्योंकि राशन जहाँ से आता है वहाँ भी बहुत दिन रखा रहता है, जो देते हैं हमें जो NGO वाले उनके यहाँ भी बहुत दिन का होता है, तो वो ख़राब होने का डर रहता है। दूसरे शहर में इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पर वो रखा जाए। सरकार के 8 साल पूरे होने पर श्रावस्ती जिले में धूमधाम से गरीब कल्याण सम्मेलन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में PM और CM ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, साथ ही 96,000 से ज्यादा किसानों के खातों में 19.33 करोड़ की धनराशि की हस्तांतरण की गई। सरोवर नगरी नैनीताल उसके आसपास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा गया और आतिशबाजी का जश्न मनाया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में स्क्वाड ड्राइव लीडर यानी कि DS मजीठिया से मुलाकात की। बता दें कि 102 साल के श्री मजीठिया सबसे पुराने भारतीय फाइटर पायलट्स में से एक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947 से 48 युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाई और उन्हें कई मेडल से सम्मानित किया गया। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा कि वे भारतीय सशस्त्र बलों के गौरव हैं और श्री मजीठिया के अंदर एक सच्चे सैनिक की जिज्ञासा और मूल्य है। लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत 2 दिन पहले बैराज जलाशय में मिला ज्ञात युवक के शव की पहचान ऑपरेशन शिनाख्त की टीम ने कर ली है। बता दें कि पोस्टमार्टम कराने के बाद टीम ने शव पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की डोली रथ यात्रा सितारगंज और शक्ति फार्म पहुंची। सितारगंज के श्री दुर्गा ज्योति पीठ और मौनी बाबा मंदिर, शक्ति फार्म के बाबा तारकनाथ मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने डोली दर्शन कर बाबा विश्वनाथ और जगदीशिला से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन का 6वां 2 दिवसीय सम्मेलन चमोली जिले के पर्यटन नगरी ग्वालदम से शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने किया। इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। पत्रकारों की समस्याओं से रूबरू हूँ कि पत्रकार किन परिस्थितियों में समाज की, देश और प्रदेश की जन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी जो सहभागिता है, अपनी लेखनी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसका समाधान करने में जो लोकतंत्र के 4थे स्तंभ के रूप में आप लोग काम करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।